ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार लगातार नए हाइज बना रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो, आईटी, मेटल्स, लगभग सभी सेक्टर्स में इस समय हरियाली छाई हुई है। इस बीच चलिए बात ये भी कर ली जाए कि आखिर डिफेंस सेक्टर के क्या हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक, मैं हूँ आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। डिफेंस सेक्टर में बीते एक हफ्ते में 0.7% की बढ़त दिखी, यानी तेजी के बाजार में डिफेंस सेक्टर थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला भी जारी है। और इसी कड़ी में अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को भी एक बड़ी डील की मंजूरी मिल गई है, जिसका असर अब इसके स्टॉक पर आने वाले हफ्ते में भी पड़ सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया कि सरकार ने BEL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस जॉइंट वेंचर के जरिए भारत में इस्तेमाल होने वाली मीडियम रेंज सर्फिस से एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करने में मदद मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जॉइंट वेंचर की स्थापना संबंधित पक्षों के लेन देन के तहत नहीं आती, क्योंकि ना तो प्रमोटर और ना ही प्रमोटर ग्रुप को कोई एंटिटी स्थापित होगी। हालांकि एक बार स्टैब्लिश हो जाने के बाद ये जॉइंट वेंचर BEL के लिए फायदेमंद रहेगा। शेयर बाजार को भेजी गई जानकारी में कंपनी ने क्या कुछ बताया है ये भी आपको बता देते हैं। तो कंपनी ने जो बाजार को जानकारी भेजी है उसमें ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने BEEIAI एरोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को गठित करने के लिए मंजूरी 25 सितंबर 2024 को दे दी है। ये कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए प्रोडक्ट सपोर्ट मुहैया कराएगी, जिसमें रिपेयर और मेंटेनेंस और उससे जुड़ी दूसरी गतिविधियां भी शामिल होंगी। वैसे भारतीय कंपनी BEL की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर की एक अहम कंपनी है और आकाश मिसाइल सिस्टम, क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल वेपन सिस्टम, ये सब कुछ BEL से जुड़ी हुई कुछ मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनके बारे में आए दिन चर्चा होती रहती है। दूसरी तरफ इजराइल एरोस्पेस की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के पोर्टफोलियो में एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अनमैंड एरियल सिस्टम, ग्राउंड रोबोटिक्स जैसी चीजें शामिल हैं और दोनों का जॉइंट वेंचर भारत के लिए और इजराइल के लिए, दोनों ही देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और BEL के लिए शेयर बाजार के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। जून क्वार्टर में BEL का मुनाफा देखा जाए तो ये साल दर साल के हिसाब से 46% बढ़कर 776 करोड़ रुपए रहा है। एप्टा भी कंपनी का 41% बढ़ा और 937 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। BEL के शेयर की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बीते हफ्ते यानी जो कारोबारी हफ्ता अभी खत्म हुआ है उसमें इस स्टॉक में लगभग 4% की तेजी देखी गई है। बीते एक महीने में हालांकि स्टॉक ने लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन बीते 6 महीने की अगर बात की जाए तो स्टॉक में 44% से ज्यादा की तेजी आई है और बीते एक साल की बात की जाए तो ये स्टॉक 116% से ज्यादा चढ़ चुका है। अब तक अपने निवेशकों को BEL का स्टॉक 57.85% का रिटर्न दे चुका है। अब सवाल यह कि इजराइल एरोस्पेस के साथ जॉइंट वेंचर से क्या इस स्टॉक में कोई बड़ी चाल बनती दिखेगी? आपको क्या लगता है, क्या BEL के शेयर में कोई बड़ा मूव आएगा? क्या कुछ लगता है आपको, हमें इस रिपोर्ट पे कमेंट जरूर करिएगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते लेकिन एक जरूरी बात सुनते जाइए, ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको मार्केट में कहीं भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।